मैं कविता यस यस आओ सर। जैन जैन बैठो, वो दिखाओ, रिज्यूम दिखाओ अपना। क्या नाम है आपका? विवेक विवेक सिंह। इससे पहले जॉब किए कहीं? नहीं सर। फ्रेशर हो? जी सर। ठीक है। अच्छा, कहाँ के रहे? डिप्लोमा कहाँ से किया आपने? डिप्लोमा सर NIFSM। कहाँ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। कौन सी जगह है ये? जी सर, हमारे शाहजहांपुर जिला में पड़ता है। शाहजहांपुर यूपी। जी। अच्छा, और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली सर, भाई है छोटा, एक बड़ा भाई है, वाइफ है। अच्छा, तो ये फर्स्ट बार फ्रेशर हो आप? जी सर। फर्स्ट बार जॉब सर्च कर रहे हो? जी सर। अच्छा, क्या जानते हो फायर के बारे में बताओ। सर आप क्वेश्चन पूछिए। फायर के बारे में क्या जानते हो? फायर के बारे में सर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं सर, अच्छा एक्सटिंग्विशर ड्रिल के बारे में जानते हैं सर। अच्छा ये बताओ, आग, व्हाट इज फायर? आग है क्या? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तो तीन चीजों से मिलकर उत्पन्न होती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इसके जलने से गर्मी, प्रकाश और धुआं महसूस होता है। जी गर्मी, प्रकाश और धुआं उत्पन्न होता है, निकलता है बाहर। ठीक जी है, उसके बाद ये तीन एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन, तीनों से मिलने से आग पैदा हो जाती है। जी अब उसके बाद आग कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी आगें होती हैं फायर में? सर 5 प्रकार की आग होती है। कौन कौन सी? ए ए क्लास कूड़ा कचरा आग होती है, बी क्लास डीजल पेट्रोल तेल आग होती है, सी क्लास गैस की आग होती है, LPG, CNG, नाइट्रोजन प्रोपेन वगैरह। डी क्लास अच्छा मतलब धातुओं की आग होती है। ई क्लास सर इलेक्ट्रिक फायर, शॉर्ट सर्किट अच्छा वगैरह। इलेक्ट्रिक, जैसे कि सर लाइट वाली फायर क्या क्या आता है, जैसे हम एक्सप्लेन करें, एग्जांपल दें, क्या क्या आता है? उसमें कोई सर जैसे AC का वायर है, वहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फायर आएगी। और इसी प्रकार से कोई जैसे गीजर हो गया उसमें आती है सर इलेक्ट्रिक फायर, ट्रांसफार्मर एरिया हो गया उसमें आती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो जी इलेक्ट्रिकल फायर में आती है। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट और कौन सी आग होती है? ई क्लास पर 5 आग होती सर। 5 आग और नहीं होती? एक होती क्लास के, क्लास के को भी रखा गया है, क्लास के बोल देते हैं अपने इंडिया में, क्लास एफ बोल देते हैं हम फॉरेन में, विदेश में क्लास एफ यानी फैटी ऑयल की आग, क्लास के यानी किचन फायर, जिसमें हमारे सरसों का तेल, रिफाइंड घी, सोयाबीन, ये सब क्लास के में। ठीक है जी। अब ये बताओ जी, फायर एक्शन सर, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आगों को हमने डिवाइड क्यों कर दिया भाई? आग है क्लास ए, आपने बता रहे हो जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जी, ये साधारण आग, तेल की आग, आप बता रहे हो, लेकिन इनको बांटा क्यों है हमने? आग तो आग है, बुझा देंगे जी, हमसे कोई बोलेगा आग लग गई जी, आग को हमें बुझाने जाना है, आग बुझाने चल दी, लेकिन इन आगों को, आग तो हमें दिख रही है लेकिन उनको बांटा क्यों हमने, डिवाइड क्यों कर दिया है भाई? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनमें डिवाइड क्यों कर दिया हमने? सर ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिक जो ए क्लास फायर होती है पूरा कचरा ईंधन की होती है, नॉर्मली तरीके से बुझाई जाती है, और जो सी क्लास फायर होती है वो गैस की फायर होती है, वो पानी से नहीं बुझ सकती है, इसलिए इसे बांटा गया। इलेक्ट्रिक फायर होती है सर वो भी पानी से नहीं बुझ सकती, उसके लिए CO2 चलाया जाता है, उससे बुझती है। यानी कि हम आगों को जान सकें और हाँ पहचान सकें, पहचान सकें कौन सी क्लास की आग है, ये सेफ्टी के हमारे खिलाफ है जी सर, इसलिए हमने आगों को बांट दिया। ठीक है, गुड गुड कॉल। अब होता है जी, फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं हमारे फायर में, हम जो यूज करते हैं फायर सिलेंडर, कितने प्रकार के यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका नाम होता है और कितनी कैपेसिटी होती है, ये आप मुझे बताओ। सर फायर एक्सटिंग्विशर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाटर टाइप हो जाता है, फोम टाइप हो जाता है, ड्राई टाइप हो जाता है, CO2 टाइप हो जाता है। ड्राई टाइप कौन सा होता है? ड्राई केमिकल पाउडर। अच्छा, क्या नाम है उस फायर एक्सटिंग्विशर का, नाम कुछ बोलते हैं? DCP। अच्छा, और भी और क्या होता है? और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सिलेंडर हम कौन सी आग पे यूज करेंगे सर? इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज किया जाता है। उसके अलावा?
उसके अलावा सर आप यूज कर सकते हैं जैसे धातु फाइव पे भी यूज कर सकते हैं, और वैसे नॉर्मली सर यूज कर सकते हैं, और उसके लिए दूसरा एक्शन सर बनाया गया है। CO2 जो सिलेंडर होता है उस पर लिखा होता है BC, आप देखोगे कभी फायर सिलेंडर आप CO2 लेके जा रहे हो, आपने देखा होगा उस पर स्टिकर भी लगा होता है, उस पर लिखा होता है BC और इलेक्ट्रिकल का साइन भी बना होता है। तो BC का मतलब क्या है? मतलब धातु पार हो जाती है, सी मतलब गैस की, बी मतलब क्या होता है? क्लास बी मतलब सर धातु की आग, धातु की आग, ये गलत है, रोंग है आपका, धातु की आग नहीं होती क्लास बी में, क्लास बी में आता है लिक्विड फायर, जो आप बता रहे थे ना, आप भी तो बता रहे थे यार, क्लास बी में जी पेट्रोल डीजल के रूप से आप बता रहे थे ना, तो क्लास बी उस पर लिखा होता है बी और सी में हम यूज करते हैं। मैं साथ के साथ क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको भी पता रहे, आप इंटरव्यू देने आए हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ आपको पता रहे जी मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या मुझे और सुधार है, कहाँ कमी मेरे अंदर, मैं कितने अभी क्या सीखने की जरूरत है, कितने पानी में हूँ, इसलिए आपको साथ के साथ बताया भी जा रहा है आपका भाई कहाँ फंस रहे हो, ठीक है जी। अच्छा मैकेनिकल फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? मैकेनिकल फॉर्म टाइप सिलेंडर सर बी टाइप कौन सी सर? लिक्विड फायर हो जाती है। अच्छा हमारा जो है क्लास डी मेटल फायर है, धातु की आग है, उस पर आप क्या यूज करोगे सर? ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि ड्राई केमिकल टाइप फायर एक्सट्रूजर होता है उसको हम यूज करें। और जो हमारा ABC टाइप फायर एक्सट्रूजर वो क्या होता है? ABC क्या होता है? ABC सर हाल पे होता है, वैसे तो ए क्लास की भी आई जाती है, बी क्लास की भी, और सी और डी, खास करके डी क्लास। ABC यानी मल्टीपर्पज होता है फायर एक्सट्रूजर। और नेक्स्ट हुआ हमारा K टाइप फायर एक्सट्रूजर, यानी कि क्लास के पे हम कौन सा फायर एक्सट्रूजर यूज करते हैं सर? बेट केमिकल पाउडर, बेट केमिकल टाइप फायर एक्सट्रूजर, बेट केमिकल हम यूज करते हैं। क्लास के किचन आग कहाँ कहाँ लग सकती है? एग्जांपल जैसे हम बोलें तो क्लास की किचन फायर, जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताएं कहाँ कहाँ लग सकती है सर? ये किचन फायर है जैसे, मतलब किचन में भी लग सकती है, एक किचन में भी लग सकती है, और जहाँ पे ऑयल हो वहाँ पे, जहाँ जैसे कि हमारा खाना बनता है किचन की आग है, जैसे हमारे मॉल होते हैं, मॉल में फूड कोर्ट एरिया होते हैं, वो भी वहाँ फूड खाना बनता है, किचन एरिया तो वहाँ भी ले सकते हैं, या हमारे रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं फाइव स्टार थ्री स्टार, वहाँ भी किचन ऑयल, किचन की आग होता है, वहाँ भी आग लग सकती है, ठीक है जी। अब होता है जी, ये होता हुआ हमारा टाइप ऑफ फायर एक्सट्रूजर कितने प्रकार के। फायर अलार्म सिस्टम के बारे में क्या जानते हो आप सर? फायर अलार्म सिस्टम के बारे में सर, इसमें दो पैनल होते हैं, दो प्रकार के, एक एड्रेसेबल पैनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल पैनल होता है। एड्रेसेबल का क्या काम? एड्रेसेबल का सर ये काम है, वो एक्चुअल फायर होता है कि किस बेडरूम में लगी है, कौन सी, मतलब पूरी लोकेशन देता है, मतलब डायरेक्टर नंबर वगैरह सारा बताएगा, सारा कुछ बताता है। उसका नॉन कन्वेंशनल का क्या काम? वो सर जोन बाई जोन बताता है, उसमें जोन बटे होते हैं, जोन के हिसाब से बताता है। अच्छा एरिया वाइज उसका डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे? एड्रेसेबल वाले स्मोक डायरेक्टर, कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं? स्मोक डायरेक्टर कैसे काम करता है? स्मोक डिटेक्टर सर वहाँ से जैसे आग लगी है, आग लगने के कुछ देर बाद उसका जो धुआं पहुँचता है वहाँ पर, स्मोक पहुँचता है, तभी सेंस होता है, तब यहाँ एड्रेसेबल पैनल बताता है इस जगह आग लगी है। कभी कभी फॉल्स अलार्म भी आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? डस्ट की वजह से आते हैं सर, डस्ट की वजह से, कभी कभी डस्ट आ जाती है, उनके हवा वगैरह चलती है ना, अलार्म आ गया आपके सामने, आपके सामने फायर अलार्म पैनल लगा है, अलार्म आ गया, आपका क्या एक्शन होगा उसमें? एक्शन सर सबसे पहले अगर दो लड़के होंगे तो एक फोन करेगा वहाँ पे, टेलीफोन करेगा वहाँ से, कंफर्म करेगा, दूसरा लड़का यहाँ से तुरंत ही निकल जाएगा उस लोकेशन के लिए, तो वहाँ पे कुछ हुआ है या नहीं, एक्चुअल में अलार्म है फॉल्स अलार्म, वहाँ जाके क्लियर करेगा। उसके अलावा और क्या रिकॉर्ड के रूप में क्या रखते हो आप? रिकॉर्ड के रूप में सर पंप रूम की फाइल रखते हैं, हैंड ओवर, भाई फायर अलार्म आ गया जी, फायर अलार्म को रिकॉर्ड वगैरह कुछ क्या 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 करते हो? रिकॉर्ड जैसे कि अलार्म आया ठीक है सर, उसमें हैंड ओवर हम लिखते हैं, एक तो अलार्म सिस्टम की वो फाइल बनी है उसमें लिखते हैं ये अलार्म आया, फेक अलार्म आया, अगर फायर अलार्म फायर का है उसमें फायर का लिखते हैं, उसके हिसाब से पूरी डिटेल लिखते हैं किस प्रकार से आग लगी है, और पूरी फ्लैट की लोकेशन लिखते हैं, कौन मौजूद था कौन नहीं,
किसने देखा और किस तरह का रहा, स्टेटस ऑटो ओके नोट ओके क्या जी सर, उसमें फिर फायरमैन की सिग्नेचर साइन होती है। ठीक है, अब होता है जी फायर स्प्रिंकलर का नाम सुना है जी सर, क्या होता है फायर स्प्रिंकलर? फायर स्प्रिंकलर सर दो प्रकार के, कौन कौन से? एक फ्यूजल फुल टाइप होता है और एक कार्ड जैक बल्ब टाइप होता है। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं कौन सा यूज करते हैं? कार्ड जैक बल्ब टाइप करते हैं। कैसे वर्क करता है ये सर? सेंस के हिसाब से वर्क करता है। कैसे सेंस? इसके कलर कोडिंग आती है सर। कौन सा यूज करते हैं नॉर्मली हम जो ज्यादातर यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? ऑरेंज वाला होता है 57 डिग्री। ऑरेंज वाला यूज करते हैं जी सर नॉर्मली। नॉर्मली जो हम रेजिडेंस सोसाइटी हुई हमारी, कॉमर्शियल बिल्डिंग हुई, एयरपोर्ट हुआ, मॉल वगैरह में हम कौन सा कलर कोड के हिसाब से स्प्रिंकलर यूज करते हैं? जैसे वैसे देखा जाए तो सर हम रेड कलर का यूज करते हैं 68 डिग्री वाला। 68 डिग्री जहाँ ज्यादा ठंडा तापमान है वहाँ पे 57 डिग्री का लगाते हैं आप? फिर एरिया के हिसाब से लगाते हैं। जैसे हमारे रेजिडेंस सोसाइटी है, रेजिडेंस सोसाइटी है साइड है, इसमें कौन सा यूज करेंगे सर? रेड कलर। रेड कलर इसका क्या, कैसे वर्क कर, क्या टेम्परेचर होता है, कैसे काम करेगा सर? जैसे कि आग लगी है वहाँ, उसके आग लगने के बाद जब 68 डिग्री टेम्परेचर होगा तो अपने आप ये फूट जाएगा और पानी फैलाने लगेगा, फुहारा टाइप में पानी गिरने लगेगा और आग काबू कर लेगा। कितना एरिया कवर करता है ये सर? एरिया सर 4 से 5 फीट करता है। अच्छा, यानी कि मीटर में अगर हम बात करें तो 3 से 3.5 मीटर हम एरिया चारों तरफ से ये कवर करता है। ठीक है जी, किसी कमरे में या किसी फ्लैट में आग लग गई है तो आप क्या करोगे, क्या एक्शन होगा आपका? सबसे पहले सर जाएंगे वहाँ फ्लैट में, वहाँ कंफर्म करें इसके अंदर कोई है या नहीं। उसके बाद दरवाज़ा खोलेंगे पोर्टल मेथड के द्वारा, नीचे नीचे जाएंगे अगर कोई है तो उसे निकाल के लाएंगे वहाँ से, और उसके बाद में लाइट का जो स्विच होता है उसे काटेंगे, एलपीजी सिलेंडर है उसे काटेंगे जिससे खतरा थोड़ा कम हो। कम होने के बाद में सर आग बुझाएंगे। आग बुझाएंगे होता क्या है, जब आप जा रहे हो किसी रूम में जा रहे हो आग बुझाने, आपको रूम बंद है लॉक है, आप उसको रूम को खोलोगे तो रूम से क्या है एकदम ऑक्सीजन मिलेगी जैसे आपको, तो आग बाहर की तरफ भागेगी, धुआं और आग बाहर की तरफ, तो आप उसके सामने हो ना, तो आपको सामने खड़ा नहीं होगा, उससे क्या होगा आपकी सेफ्टी के खिलाफ है वो, आप आग की चपेट में आओगे आपके लिए दुर्घटना होगा, आप मर सकते हो, मौत हो सकती है आपकी। तो उस कंडीशन में हमें दरवाजे के सामने, दरवाजे के अपोजिट साइड में खड़ा होना है ताकि आग और धुआं जितना हो निकल जाए, उसके बाद हम एंटर करेंगे उसको। ये होता है, ठीक बताया आपने, लेकिन ये पॉइंट आपको ऐड करना चाहिए था उसमें। ठीक है, और अब इंटरेस्टेड हो आप जॉब के लिए? थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, आप फ्रेशर हो तो आपको अगर हम यहाँ सेलेक्ट करें तो काम करोगे? जी सर। कर लोगे? जी सर। ठीक है, धन्यवाद सर, तो आपने हमें मौका दिया, मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ अच्छा करके दिखाने का। ठीक है।